बढ़ते आगे, प्रतापगढ़ से बड़ी खबर है। बिजली तार की चपेट में मौत का मामला है। सिंचाई करते समय दंपति चपेट में आए थे और दंपति के 5 बच्चे बेसहारा हो गए थे। बिजली विभाग ने बच्चों को आर्थिक सहायता दी है और क्षेत्रीय विधायक आर के वर्मा ने चेक सौंपा है। बेसहारा बच्चों को 4 लाख रुपए का चेक सौंपा गया है। तो प्रतापगढ़ में बिजली तार की चपेट में आने से एक दंपति की मौत हो गई थी। उनके 5 बच्चे बेसहारा हो गए थे, अनाथ हो गए थे। जिसके बाद बिजली विभाग ने अब बच्चों को आर्थिक सहायता दी। क्षेत्रीय विधायक आर के वर्मा ने उनको चेक सौंपा है और बेसहारा बच्चों को 4 लाख रुपए का चेक दिया गया है। प्रतापगढ़ से हमारे संवाददाता मनोज त्रिपाठी हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए। मनोज, प्रतापगढ़ में बिजली तार की चपेट में आने से एक दंपति की मौत हो गई थी, उनके 5 बच्चे बेसहारा हो गए थे, लेकिन अब बच्चों की मदद करने के लिए बिजली विभाग भी आगे आया है, साथ ही साथ स्थानीय विधायक भी सामने आए हैं। 5 बच्चों को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान किया गया है। धीरेन्द्र, आपको बता दें कि विद्युत विभाग ये 2-2 लाख मृतक का चेक जो दिया है, ये कोई पहला मामला नहीं। इसी पखवारे उसी गांव के पड़ोस का गांव है, वहां पे भी माँ बेटों की मौत हुई थी और उसमें भी 2-2 लाख का चेक दिया था। लेकिन बड़ी समस्या इस बात की है कि विद्युत विभाग अपनी लाइनों को ठीक करने को तैयार नहीं है, जबकि 1 माह के अंदर 5 मौतें हो चुकी हैं। 2 मामलों में 2-2 मौतें हुई हैं, जहां एक माँ बेटे की मौत हुई है तो वहीं दंपति की मौत हुई है। तो वहीं एक और मामला था इसी महीने का, जिसमें कोई न तो उनको राहत राश दी गई है और न कोई आर्थिक मदद देने को नेता आया है। लेकिन सवाल यह है कि 2 लाख रुपए प्रति व्यक्ति देने से 4 बेटियां और 1 बेटा जो अनाथ हुआ है, उनका भविष्य कैसे संवरेगा और 4 बेटियों की शादियां कैसे होंगी? बड़ा सवाल यह है कि नेताजी फोटो खिंचवाने तो पहुंच जाते हैं विभागीय चेक को देने के लिए, लेकिन कहीं राशि बढ़ाकर नहीं दी जाती जिससे उनके जीवन यापन को सुचारू रूप से संचालित किया जा सके, परिजनों को और उनके बच्चों की परवरिश हो सके या फिर बेटियों की शादियां हो सके। 2 लाख रुपए बेहद ही मामूली बात है आज के दौर में। न तो जीवन का गुजारा हो सकता है और न ही बेटियों की शादियां हो सकती हैं। ये तो आने वाला समय बताएगा कि आखिर इन 4 बेटियों का हश्र क्या होता है। जी मनोज, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।